हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेबी क्लॉथ वॉशिंग। मैं हैंड से ही क्लॉथ वॉश करती हूँ और मेरे पास मशीन नहीं है, मैं हाथों से ही करती हूँ क्लॉथ वॉश। तो चलिए फिर मैं कैसे क्लॉथ वॉश करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर मैं कपड़ा धोने वाला जगह अच्छे से पानी से धो ली हूँ। अभी मैं पानी भर लूँगी टब में, फिर उसके बाद फिर कपड़े को भिगो के 10-15 मिनट भिगो के रख दूँगी। फिर उसके बाद मैं कपड़ा धोऊँगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में कपड़ा धोते वक्त। अभी मैं इधर आ गई हूँ कपड़ा धोने के लिए। 10-15 मिनट हो गया है और सर्फ में 10-15 मिनट या आधे घंटे भी अगर कपड़ा भिगो के रखते हो तो कपड़ा बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं इसी वजह से पहले कपड़े को सर्फ में भिगो के रख लेती हूँ 10-15 मिनट या आधे घंटे तक। तो उसके बाद फिर मैं कपड़ा धोती हूँ। तब कपड़ा धोने से 10-15 मिनट भिगोने से उसके बाद कपड़ा धोने से कपड़ा बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो चलिए फिर मैं कपड़ा धो लेती हूँ और आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।
हेलो गाइस, मैं कपड़ा धो ली हूँ, अभी मैं कपड़ा सुखा रही हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।